दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से दिल्ली के सचिवालय की तरफ जाने वाली रोड पर यमुना का पानी भर गया है। दिल्ली की सचिवालय की तरफ जाने वाली रोड को बंद कर दिया गया है और इस रोड से जायजा लिया है हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। मौजूद हूँ राजघाट के पीछे वाली रोड पर जो कि सचिवालय के लिए निकलती है। मैं तस्वीरों में सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से सचिवालय रोड के पास में जो ये पानी है, यहाँ पर ऊपर तक पानी आ चुका है यमुना का। और साफ तौर पर देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो यमुना का जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी रिंग रोड है जहां पर यमुना का पानी आ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ वाहन चालक हैं। कहाँ से आ रहे थे आप भाई साहब? सर हम तो राजगढ़ डिपो से हैं, तो CNG भरवाने जा रहे हैं ब्लेरो में। इस समय देखा कि यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है राजगढ़ डिपो के पास, और पानी का स्तर और बढ़ता जा रहा है, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। ये रोड सचिवालय के लिए जाती है? हाँ जी, सीधे सचिवालय के लिए जाती है। सचिवालय जाएगी सीधी रोड है, सचिवालय जाएगी सीधी रोड है, सचिवालय होते हुए सीधे सराय काले खाओ। अब पूरा यहाँ ब्लॉक हो रखा है पानी से। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हमने दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, जो कि यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली की जो सड़कें हैं वो लबालब पानी से भर चुकी हैं, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से अब दिल्ली बाढ़ जैसी स्थिति में आ चुकी है, जिसकी वजह से अब लगातार पानी जो बढ़ रहा है उसकी वजह से कह सकते हैं कि दिल्ली का जो इलाका है कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। दिल्ली से कैमरामैन सुरवीर के साथ जितेंद्र शर्मा, टोटल TV, दिल्ली।